बिहार से अक्सर अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से आया है, जहां तीन कैदियों ने बिल्कुल ही फिल्मी स्टाइल में पुलिस की आंखों में झंडूबाम लगाकर आराम से फरार हो गए। मजे की बात यह है कि पुलिस वाले कैदियों को देख तक नहीं पाए, जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। शायद ये देश का पहला ऐसा केस होगा जहां कैदियों ने पुलिस की आंखों में झंडूबाम मलकर फरार हो गए। बता दें कि ये पूरा मामला पटना के फुलवारी शरीफ जेल का है, जिन्हें गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था, मगर कोर्ट पहुंचने से पहले ही तीनों कैदी पुलिस की आंखों में झंडूबाम लगाकर फरार हो गए। इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पटना टाउन डीएसपी ने बताया कि फुलवारी शरीफ जेल से 45 कैदियों को लेकर कैदी वाहन सिविल कोर्ट के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में सड़क पर कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे, जिसको देखकर कैदी वाहन रुक गया। इसके बाद कैदी वाहन से कुछ पुलिसकर्मी बाहर निकलकर सड़क पर हो रहे विवाद को सुलझाने लगे। ठीक इसी दौरान तीनों कैदी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में बैठ पुलिस के आंखों में झंडूबाम लगाकर भाग निकले। फुलवारी जेल से 43 कैदी वाहन में माननीय व्यवहार न्यायालय के लिए लाए जा रहे थे। लाए जाने के क्रम में बीएन कॉलेज के सामने में रोड जाम था। एक ई रिक्शा और मोटरसाइकिल के सवार में तूतूमय में झगड़ा झंझट हो रहा था, उसको लेकर के रोड जाम हो गया था। उसको छुड़ाने के लिए, झगड़ा को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी बस से उतर गए। दो पुलिसकर्मी उतरे, हालांकि उनको नहीं उतरनी चाहिए थी, वे उतर गए। और उतरने के बाद उनके उतरने का फ़ायदा उठा करके तीन कैदी देखे कि अब उनकी संख्या 5 से 3 हो गई है पुलिसकर्मियों की, और वे तीन कैदी उसमें से निकल के भागने लगे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया। एक पुलिसकर्मी का हाथ भी देख रहे हैं कि संभवतः फ्रैक्चर जैसा लग रहा है, परंतु नहीं, हाँ मतलब नहीं रोक पाए पुलिसकर्मी। और अच्छा ये हुआ है कि ये जो भागे हैं, इनके पास झंडूबाम कहीं से था। झंडूबाम का इन्होंने इस्तेमाल, पुलिसकर्मी की आँख में इन्होंने झंडूबाम को झोंक दिया, और झंडूबाम को झोंकने के पश्चात आँख में जलन होने लगा, और उसका फ़ायदा उठा करके ये मतलब तीनों कैदी पुलिस कस्टडी से भाग गए। कैदी की पहचान भी है? कैदी की पहचान हो चुकी है। ये तीनों कैदी, एक का नाम है नीरज चौधरी, एक का नाम है सोनू शर्मा और एक का नाम है सोनू कुमार। ये तीनों पटने के ही रहने वाले हैं, भिन्न भिन्न थाना और भिन्न भिन्न जगहों के। और ये तीनों NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये मतलब इसी तरह के संगीन अपराधों में ये जेल भेजे गए थे, NDPS एक्ट और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत। किस थाने के कैदी? एक भद्रघाट आलमगंज का रहने वाला है, एक नंद गोलवा माल सलामी का रहने वाला है, और एक कैदी चौक का, एक हाँ एक कैदी चौक का रहने वाला है। हाँ छानबीन जारी है और कांड दर्ज कर इस पर अनुसंधान गंभीरता से किया जाएगा, सूक्ष्मता से किया जाएगा और हर बिंदु पर किया जाएगा। पुलिसकर्मी की लापरवाही आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागने वाले कैदी के पास झंडूबाम होने की बात सामने आ रही है, कैसे झंडूबाम मिला है कैसे? हाँ झंडूबाम तो मैंने देखा है उसको। झंडूबाम होना ये कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। बिल्कुल संदेह उत्पन्न करता है कि उनके पास कैसे पहुँच गया, झंडूबाम उनके पास कैसे पहुँच गया, ये तो जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय। इस पर भी, इस बिंदु पर भी जांच किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। इसमें भी अगर किसी की लापरवाही उजागर होती है। तीनों कैदियों के पास झंडूबाम कहां से आया, इसको लेकर पुलिस कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी है। भागे हुए तीनों कैदियों की पहचान सोनू कुमार, नीरज चौधरी और सोनू शर्मा के रूप में की गई है। तीनों ही आर्म्स एक्ट के दोषी हैं। फिलहाल पुलिस ने यह दावा किया है कि तीनों कैदियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।